नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और बयानों का बाजार ना गर्म हो, ऐसा नहीं हो सकता। इतिहास उठा के देख लीजिए और मौजूदा स्थितियों को देख लीजिए। बयान माफियाओं के सरकार चलाने की हो, बुलडोजर की हो, अब्बा जान की हो या तालिबान की हो, लगातार उत्तर प्रदेश में बयानों के जरिए सरकार और विपक्ष को घेरने का प्रयास एक दूसरे के लोग कर रहे हैं। अहम बात यह है कि आखिर हम वोट डालने कहां जाएंगे? अगर बात तालिबान की होगी तो क्या हम तालिबान में वोट डालने जाएंगे? अगर बात अब्बा जान की होगी तो क्या कोरोना ने अब्बा जान को नहीं लीला? अगर बात रोजगार की होती तो शायद बहुत अच्छा होता। अगर बात आर्थिक मंदी की होती तो शायद हमारे और आपके मुद्दे की बात होती। अगर बात महंगाई की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, इन सब की होती तो शायद हमें ये डिबेट नहीं करनी पड़ती कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये बयानबाजियों का बाजार गर्म क्यों हो रहा है। हालांकि ये इतिहास उत्तर प्रदेश का रहा है कि जब जब चुनाव हुए हैं, चुनावी रैलियां हुई हैं या रैलियों से पहले जब नेता इकट्ठा हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के ये जो बयान हैं वो दिए जाते रहे हैं। चाहे वो कब्रिस्तान की बात कर ली जाए, चाहे शमशान की बात कर ली जाए, चाहे हिंदू मुसलमान की बात कर ली जाए, लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत अहम होता है। इस बार ये चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, हम इतना बस चाहते हैं, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या का विकास देखना है। हमें ये चाहिए कि हर व्यक्ति के हाथ में काम हो, हर व्यक्ति की थाली में खाना हो। प्रयास हमारा यही है, इसीलिए हम इन मुद्दों पर चर्चा करते आए हैं। लेकिन आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बाजार जो है वो बयानों को लेकर गर्म है, तो जाहिर सी बात है हमें भी इस पर डिबेट करना ज़्यादा ज़रूरी लगता है, क्योंकि जो मूल मुद्दे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उस पर कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष दोनों शांत हैं। सरकार की तरफ से अब्बा जान का एक गूगली गेंद जो फेंका गया था उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष उलझ कर रह गया है। विपक्ष कहीं ना कहीं उन मुद्दों को भूल गया जिन पर उसे काम करना चाहिए था। क्या विपक्ष को नहीं पता कि जनता के समस्याएं क्या हैं? क्या विपक्ष को नहीं पता कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या झेला है? क्या विपक्ष को नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की कितनी जरूरत है? क्या इन मुद्दों पर विपक्ष को बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्यों वो अब्बा जान में उलझ गया है? दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें तो बुलडोजर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी बुलडोजर चलवा रही है तो वो ये ना भूले कि स्टीयरिंग बुलडोजर में होती है और वो कभी भी किधर भी घूम सकता है। तो इस तरह के जो बयान है ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें लगातार जो राजनीतिक बाजार है उसे गर्म कर रहा है। राजनीतिक पार्टियां प्रयास कर रही हैं कि एक बार फिर से हिंदू मुसलमान, तालिबान, शमशान, इन सब पर चुनाव को ले आया जाए। लेकिन आप इस बार कोशिश यही रखिएगा कि इस बार इन मुद्दों पर चुनाव ना हो, आपका वोट जन सरोकार के मुद्दे पर हो, आपका वोट आपके मुद्दे पर हो। आज की डिबेट हम इसी पर करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आप खुद अनुमान लगाइए कि आपको क्या करना है। जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। श्री अखिलेश यादव जी को फिर अपना मतलब चुनाव निशान बदल करके 147 रन देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोई बोल रहा है अब्बा जान तो किसी को याद आ रहे हैं चचा जान। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की डायलॉग बाजी ऐसी धार पकड़ रही है कि बड़े बड़े बयानवीर अपना मुंह शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में धसाए ले रहे हैं। अगर बयानबाजी में कोई आठवां नोबेल होता तो इन राजनीति के धुरंधरों को इनकी शेख बयानी के लिए मिल जाता। इस जुबानी जंग में कोई अकेला नहीं है, बल्कि दोनों तरफ से ऐसी जुबानी तीर चल रहे हैं कि बीच में कोई आया तो दो चार बयानों के जख्म उसके जिस्म पर भी पड़ जाएंगे। अखिलेश को ही ले लीजिए, अब सरकार कैसे बनाए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बीजेपी के चुनाव चिन्ह को ही बदलने की राय दे दी जाए, और भरी सभा में तड़ से अखिलेश बोल दिए कि बीजेपी अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख ले। इस बयान पर बीजेपी वाले भी सोच में पड़ गए कि क्या अच्छा खासा चुनाव चिन्ह कमल है, फिर बुलडोजर क्यों रख लें? सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। लेकिन बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यूपी के मौजूदा पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को समझ में आ गया कि अखिलेश तंज तंज खेलना चाहते हैं, तो झट से केशव बाबू ने बोल दिया
कि अखिलेश अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह AK-47 रख लें। नहीं सर, इसलिए अखिलेश यादव जी को फिर अपना मतलब चुनाव निशान बदल करके AK-47 रख देना चाहिए। खैर, ये दो बड़े दल यूपी में बयानों की नूरा कुश्ती करने में मशगूल नजर आ रहे हैं, लेकिन हैदराबाद के बैरिस्टर साहब के आने के बाद यूपी में बहुतों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। वैसे भी उनको शुरू से ही बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, और अब तो किसानों के मसीहा कहे जाने वाले राकेश टिकैत भी बैरिस्टर साहब से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। और टिकैत साहब ने बैरिस्टर साहब को बीजेपी के चच्चा जान ही बता दिया। ये बात समझ से थोड़ी दूर है, मगर दिमाग पर जोर डाला जाए तो ये बात थोड़ी पास आ सकती है कि राकेश टिकैत को बैरिस्टर साहब से क्या जलन हो रही है। खैर, टिकैत शायद सरकार से कम बीजेपी से ज्यादा नाराज हैं, तभी बीजेपी को सीधे या फिर उल्टे तौर पर फायदा पहुंचाने वालों को भरे मंच से जमकर कोस रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कईयों के रंग उड़ते नजर आ रहे हैं, तो कई इसी मौसम में अपने बयानों से रंग उड़ा रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो सत्ता की वो कुर्सी जो आम आदमी को दिखती नहीं है उस पर बैठने का सपना देख रहे हैं, और देखें भी क्यों ना भाई, लोकतंत्र जो है। लेकिन चुनाव चिन्ह से लेकर अब्बा जान और चच्चा जान तक के अनोखे, अनूठे, लाजवाब और लच्छेदार शब्द चुनाव की दिलचस्पी जरूर बढ़ा रहे हैं। खास तौर से बयानवीरों की राय शुमारी दूसरों के लिए बिना तौल के सामने आ रही है। इस समय राजनीति में ये शगल मशहूर है कि तुम राय लो या ना लो, लेकिन हम तो देंगे। चलिए, अदम की एक शायरी आज की बयानी राजनीति पर फिट बैठती है, वो सुन लीजिए। शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, किस तरह से लगातार जो बयानबाजियां हैं वो करके जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी इसी तरह की बयानबाजियों से उत्तर प्रदेश की जनता को बहलाया या फुसलाया या फिर बताया जाए कि वोट कराने के लिए बुलवाया गया था। अहम बात यह है कि आज की इस डिबेट में हमारे साथ अभी थोड़ी देर में मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि हमें वोट किस पर देना है। क्या हमें वोट तालिबान पे देना है, क्या हमें वोट कब्रिस्तान पर देना है, क्या हमें हिंदू मुसलमान पर देना है, या हमें कोरोना पर वोट देना है, कोरोना में जो महामारी उत्तर प्रदेश की जनता ने सही है उसको याद करते हुए वोट देना है, हमें किस चीज पर वोट देना है, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। और क्यों इस तरह के बयानों के जरिए इस तरह की ये जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में चल रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बीजेपी से अश्विनी शाही हैं जो पार्टी का पक्ष रखेंगे, इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस से विनोद सिंह हैं जो पार्टी का पक्ष रखेंगे, और सुभाष यादव जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुछ और साथी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम राय लेंगे। सबसे पहले मैं अश्विनी जी आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप लोग अपनी जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह कब बदल रहे हैं? देखिए, ये अखिलेश जी चाहेंगे तो बदलवा देंगे। अखिलेश जी ने कहा है कि बुलडोजर रखवा दिया जाए, सबने सुना है, कितनी हास्यास्पद बात है नितिन जी। बुलडोजर से इनको कितना डर है? योगी सरकार का बुलडोजर किस पर चला है? अपराधियों के घर पर चला है, और वो अपराधी जो इन सपा के एमपी और एमएलए हुआ करते थे, वो दर्द उनका वो है नितिन जी। ये हमारे चुनाव निशान बदलने की बात नहीं है, दर्द है कि बुलडोजर जो है इनके लोगों पर चल रहा है जो अपराध में संलिप्त हैं, और उत्तर प्रदेश की कर्म योगी सरकार अपराध में जीरो टॉलरेंस को लेकर चल रही है। कोई अगर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसके फोटो अगर टंग जाते हैं तो भी ये विरोध करते हैं। कोई भी अपराधी अगर जेलों में है, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलता है तो उसका भी ये विरोध करते हैं, क्योंकि ये अपराध के पोषक हैं लोग, अपराधियों के पोषक हैं। ये अपराध इनके संरक्षण में फलता फूलता रहा है, इसलिए बुलडोजर से इनको इतनी दिक्कत है। अच्छा। और जिसका नाम ये लेते थे, जो अभी आया कि हम मुल्ला मुलायम कहने पर लोगों का नाम डाल दिया था लोगों ने, नहीं तो आप लोग अब्बा जान क्यों कह रहे हैं? नितिन जी, मैं वही उसी पर आ रहा था
कि निहत्थे कार्यकर्ताओं को मरवा कर सरजू का पानी खून से लाल करने वाले मुलायम सिंह यादव की पार्टी, चुनार फैक्ट्री बेच दिया गया था, उसमें जो मजदूर वहां पर इनका विरोध कर रहे थे, एक अपना वो क्रमिक अनशन कर रहे थे, उन निहत्थे लोगों को गोली चलवाकर 14 लोगों को मरवा दिया गया। ये हिंसक प्रवृत्ति के लोग, गुंडा माफियाओं के प्रवर्तक लोग आज अब्बा जान कहने पर दर्द में महसूस कर रहे हैं। एक आपसी रंजिश होती है जिसमें एक डिप्टी एसपी की हत्या होती है, संजोग से वो मुस्लिम से रहता है, अखिलेश जी 2013 में उसको जो है जाकर 50 लाख रुपए देते हैं, और एक सैनिक जो हमारे देश की सेवा करता है, सेवा करते हुए शहीद होता है, उसको 20 लाख रुपए देते हैं क्योंकि वो हिंदू है। ये तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं, तो इनको अब्बा जान भी ना कहा जाए, नितिन जी तो क्या कहा जाए। अच्छा अच्छा, आपने ये भी कहा, क्योंकि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में थे तो उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बीती सरकारें होती थी वहां पर माफियाओं का राज चलता था, तो किस तरह से बयान को देखा जाए? क्या इन्हीं मुद्दों पर हम ये सोच लें कि अब आने वाला दिन का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का वो इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा, माफिया हो गया या फिर तालिबान हो गया या फिर अब्बा जान हो गया, या कुछ और इस वक्त इस बार जन सरोकार के मुद्दे हैं जिन पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों की तैयारी तो विकास के मुद्दे पर है, और विकास हमने किया है, हमने चाहे जिस क्षेत्र में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, और सबसे लेटेस्ट जो है जिसकी सराहना चतुर्दिक हुई है, विदेशों से भी हुई है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में विपक्ष के द्वारा उसकी जो है सराहना नहीं की गई न चाहते हुए, क्योंकि विरोध करना था, नहीं तो पूरे विश्व ने सराहना की योगी मॉडल की कोरोना काल में। अच्छा, चलिए, हमने बहुत बेहतर प्रबंधन किया, हम उस मॉडल को भी लेकर जाएंगे। हम कांग्रेस के पास चलते हैं लोग, जी जी अश्विनी जी, मैं जवाब दे दूंगा, मैं कांग्रेस के पास चलूंगा, अश्विनी विनोद सिंह जी के पास। विनोद जी, आपको आवाज मिल रही मेरी ना? विनोद सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए हम सुभाष जी के पास चलेंगे। सुभाष जी, ये जो उत्तर प्रदेश में बयानबाजियों का जो बाजार गर्म हो गया है, लगातार तालिबान को लेकर बयान चल रहा है, लगातार अब्बा जान को लेकर बयान चल रहा है, और कल अखिलेश यादव ने कह दिया कि बुलडोजर जो सरकार के पास सबसे बड़ी उपलब्धि है वो बुलडोजर की ही है, लेकिन वो ये ना भूलें कि बुलडोजर में स्टेयरिंग होता है और स्टेयरिंग से बुलडोजर घूम भी जाता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इसी तरह से इस बार का चुनाव भी बीतने वाला है? नितिन जी, मैंने कुछ दिन पहले भी डिबेट के अंदर ये बात हुई थी, तब भी मैंने बात बोली थी जब आपने मुझसे एक सवाल किया था कि चुनावी वादे जो चल रहे हैं उससे जनता का क्या सरोकार है। तो उसी सवाल के ऊपर मैं फिर आ जाता हूँ कि 2017 के अंदर जो आपने स्टार्टिंग में डिबेट के अंदर पहले बोला था कि शमशान और कब्रिस्तान, तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके चला जाता हूँ कि 2017 के अंदर भी ठीक इसी प्रकार शमशान और कब्रिस्तान के ऊपर लाके पूरे के पूरे चुनाव को पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई थी। यानी कहीं ना कहीं कि जो वास्तविक मुद्दे हैं, महंगाई छूट जाती है पीछे, रोजगार पीछे छूट जाता है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे पूरी तरह से छूट जाते हैं। तो हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम चुनाव लड़ने की बात तो करते हैं लेकिन चुनाव के अंदर जब भी जाते हैं तब कहीं ना कहीं पूरे हिंदू मुस्लिम को पूरा लेके आ जाते हैं। बाकी की चीजें क्या लगता है कि इसकी जो शुरुआत है वो कहां से होती है, कौन करता है इसकी शुरुआत? देखिए, अगर इसके अंदर देखा जाए तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसके अंदर इन्वॉल्व है। किसी एक पार्टी का अगर मैं नाम लूं तो वो पूरी तरीके से बेईमानी वाली बात हो जाएगी। दूध की धुली कोई पार्टियां नहीं है, पार्टियों को चुनाव जीतना है एन केन प्रकारेण, चाहे जिस तरीके से भी सत्ता आ जाए, सत्ता हासिल करना इनका मेन मकसद होता है, उस मकसद के जरिए चाहे कुछ भी हो, मुद्दे इनको जरूरत नहीं रहती है, दूसरे चीजों की इनको कोई जरूरत नहीं रहती है, सिर्फ किस तरह चुनाव का ध्रुवीकरण किया जाए, किस तरह चुनाव को जातिगत लेके आया जाए, किस तरह चुनाव को धार्मिक उन्माद पे लेके आया जाए, यही इनका पूरी तरीके से मकसद रहता है। अच्छा, चलिए विनोद जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? विनोद जी जुड़ गए हमारे साथ। विनोद जी, ये पिछली सरकारें जो थी वो माफिया चला रही थी और अब बुलडोजर चल रहा है, तो आप लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? चल रहा है विनोद जी, आपकी आवाज आ नहीं रही है, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप अपना जो जवाब है वो दोहरा दें। भारत
की उम्मीदों पर छुड़ाया है। आवाज आपकी नहीं पहुंच रही है विनोद जी। और नहीं नहीं विनोद जी आपकी आवाज नहीं मिल रही हम तक। आपकी आवाज? हाँ जी बताएं क्या कह रहे हैं। नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर उत्तर प्रदेश के विकास पर चलाया है, उत्तर प्रदेश के जनता के भविष्य पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। जिस प्रकार से अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने मुकदमे वापस लेने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है, कोर्ट बार बार मना कर रही है उसके बावजूद भी, और जो आम जो विरोधी दल वैचारिक विरोधी है, दूसरे दलों के नेता हैं, उनको अपमानित करने के लिए, उनका सामाजिक व्यक्तिगत अहित करने के लिए ये नीतियां चलाने जा रही, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। अब इनके ये झूठ की जुमले की गुमराह करने की राजनीति की इंतहा हो गई है, और आगामी चुनाव जिस प्रकार से देश ने देखा है, कांग्रेस पार्टी मजबूती से लोगों की आवाज बनने का काम किया। उत्तर प्रदेश के लोग जब पलायन को विवश होकर सड़कों पर जा रहे थे तो इनके मंत्री उन्हें डकैतों की संज्ञा दे रहे थे। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने गरीब की, किसान की, महिलाओं की, बेरोजगारों की आवाज बनने का काम किया है, देश में कांग्रेस नेतृत्व के प्रति अपार जन समर्थन, उत्साह और आशीर्वाद है, और ये आपको आगामी चुनाव भारत की राजनीति की भविष्य की दशा और दिशा तय करने जा रही है। अश्विनी, कांग्रेस पार्टी ने ठाना है भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अश्विनी जी, आपने विनोद सिंह जी की बातें जो हैं वो सुनी होंगी, क्या जवाब है इसका? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी जो है अपने नेताओं को बचाने के लिए दूसरे के नेताओं के छवि के साथ खेल रही है, बुलडोजर चलवा रही है, जो भी चीजें उन्होंने कही हैं, तो इसमें हम कितना इस बात से तारुफ रखें और कितनी सच्चाई है इस बात में? अश्विनी जी से हमारा संपर्क टूटा हुआ है, उन तक हमारी जो बात है वो नहीं पहुंच रही है। हम सुभाष जी आपके पास, सुभाष जी हम आपके पास आना चाहेंगे। आप जो चीज़ें बता रहे थे कि 2017 में अगर हम चले तो कहीं ना कहीं कब्रिस्तान और शमशान का जो मुद्दा था, उसी तरह से एक बार फिर से ये 2022 में कई सारे अलग अलग जो बयानबाजियों के जरिए मुद्दे जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें तालिबान हो गया या बुलडोज़र हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, क्या विपक्ष को भी वो मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं? अगर सरकार को नहीं दिखाई दे रहे हैं तो देखिए, इसके अंदर सरकार की बात अगर छोड़ भी दिया जाए, जैसे आपने बोला विपक्ष, तो मैंने आपको पहले ही बोला था, वही बात मैं अपनी फिर दोहराना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश हमारे देश की दशा और दिशा पूरी तय करता है, लेकिन जब प्रदेश के चुनाव की बारी आती है तो प्रदेश के चुनाव के अंदर सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, वहां पे कोई मुद्दे मायने नहीं रखते हैं। उस समय सिर्फ अगर जो बात आती है जाति और धर्म की बात आती है, उसी चीज को नजर में रखकर ये लोग जो बुलडोजर वाला जो बता रहे हैं, बुलडोजर का एक नारा चला हुआ है, उसके बाद में उन्हीं के जवाब में अखिलेश जी ने बोला कि उनका चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए, उसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला कि AK-47 रख लेना चाहिए था। अभी अभी वो जो एक्स IPS थे ब्रजलाल जी, जो इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि अखिलेश यादव की अपनी पार्टी का नाम LMG रख लेना चाहिए। अच्छा, LNG रख लेना चाहिए जी। देखिए, वो उनका, मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहन जी जो है सुश्री मायावती जी, वो अपना पहले तो अपना चुनाव चिन्ह खुद बदलने की कोशिश करें, क्योंकि उनका आए दिन तो नारा ही बदलता रहता है, तो उनके ऊपर तो मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो तो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे 2022 के अंदर। अच्छा, मैं यहाँ मेन आता चाहता हूँ उसके ऊपर, सपा के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मुझे समझ में ये चीज नहीं आती कि जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सत्ता पक्ष की पार्टी है, वो और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, ये जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, उनकी मूलभूत सुविधाएं, जो उनके मूल मुद्दे हैं, उसको क्यों नहीं उठाना चाहती वो? वो क्यों बुलडोजर पे, क्यों AK-47 पे, क्यों अब्बा जान पे, क्यों तालिबान पे उलझी हुई है? अच्छा। इनको प्रदेश के विकास से क्यों नहीं मतलब रहता है? ये क्यों देश के बाहर के जो मुद्दे उसके ऊपर चले आते हैं? ये लोग बात तो करते हैं कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे, जब सबको साथ में लेके चलने वाली बात आती है तो किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करना, अब्बा जान का मतलब क्या है? अगर इस्लाम रिलीजन के अंदर कोई अपने पिताजी को अगर अब्बा जान बोल रहा है तो क्या गलत कर रहा है वो? कोई गलत नहीं कर रहा। लेकिन अहम बात यहाँ पर ये भी है सुभाष जी कि इस कोरोना में ना तो अब्बा जान बचे, ना किसी के पिताजी बचे, ना किसी के पापा बचे, कोई नहीं बचा, लेकिन उसके बावजूद बातें जो है घुमा फिरा के अब्बा जान पे आ जा रही है। अच्छा, अश्विनी जी जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, विनोद सिंह जी कह रहे थे कि आप लोग दूसरी पार्टी के जो नेता हैं उनकी छवि खराब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने नेताओं की छवि जो है वो बचानी है, और इसीलिए बुलडोजर जैसी कार्रवाइयां होती हैं आप लोगों की तरफ से। नितिन जी, अभी थोड़ा सा मैं सुन पाया, कट गया था। विनोद जी की एक लाइन जरूर मैंने सुनी, इन्होंने
अति उत्साह में या जैसे भी कांग्रेस के नेताओं को, वैसे भी प्रियंका जी जब से आई है थोड़ा उत्साह हो गया है, इन्होंने बोल दिया कि योगी जी ने बुलडोजर उत्तर प्रदेश के भविष्य पर चलवाया है। जी जी जी। तो क्या अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के भविष्य हैं? ये कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में अभी हमारे सुभाष जी कह रहे थे कि ये मुद्दे क्यों उठाते हैं। देखिए, पिछली बार चुनाव में शमशान का मुद्दा किसने दिया था? आप लोगों ने। चुनाव के ठीक 8 महीने पहले आप लोगों ने। अभी अब पूरा सुन लीजिए सुभाष जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव के ठीक 8 महीने पहले शमशान के लिए रुपया आवंटित किया जाता है और शमशान की भूमि पर चार दीवारी कराई जाती है। तो इस पर सरकार की और विपक्ष की दोनों की नजर होगी। सरकार की नजर होगी चार दीवारी कराने पर और विपक्ष की नजर होगी कि आखिर में किसका तुष्टिकरण किया जा रहा है। तो विपक्ष मुद्दा उठाएगा। आज अगर जैसे हम लोगों ने, अभी आपने ही कहा अब्बाजान का कोई गलत मतलब नहीं होता है, तो इस पर बवाल क्यों मचा हुआ है? अगर कह दिया गया तो इस पर इसका परसेप्शन आप लोग गलत क्यों ले रहे हैं? जब ना सर, तो इसकी जरूरत कहां पे पड़ी, ये नहीं समझ आ रहा ना। आम जनता को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब्बा जान की जरूरत पड़ी क्यों, या बुलडोजर की जरूरत पड़ी क्यों? देखिए, बुलडोजर तो अखिलेश जी बताएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के जो दोनों नेता थे जो अपराधी हैं हमारे लिए, दोनों जेलों में हैं, उनको सजा देना और सबक सिखाना ये कानून के द्वारा, न्याय के द्वारा एकदम जरूरी था। जो माफिया, इनका राज चलता था 2012 से लेकर 17 तक, और उसके पहले भी जब इनकी सरकारें रही हैं, और आज उनके घरों पर, अवैध संपत्तियों पर, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बनाया गया था, इन लोगों के द्वारा ही, इसी सरकार के द्वारा संरक्षित वो लोग थे और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर आज मकान नहीं बने। अच्छा, ये कांग्रेस वालों को ये ना ना ये आप लोगों की कार्रवाई से कांग्रेस वालों को क्यों जलन हो रही, क्या दिक्कत है? विनोद सिंह बता रहे हैं कि आप लोग दूसरी पार्टी के नेताओं की छवि खराब करते हैं। अब देखिए, कांग्रेस के पास तो कुछ बचा नहीं है, 5% की पार्टी है ये पूरे प्रदेश में, 5 या 6% संगठन मजबूत करने में लगे लगातार वो लोग। प्रियंका जी राजनीतिक टूरिज्म पर हमेशा आ रही हैं। अच्छा, हमारे विनोद भाई जाते होंगे वहां, उनका स्वागत करते होंगे, 2 दिन बाद वो गायब हो जाती होंगी। उसके बाद देखिए, कोई रायबरेली के चुनाव के बाद कोई किसी ने देखा था कभी उनको? और मैं बार बार कहता हूं कि अगर कांग्रेसी भाई हमारे प्रियंका जी की नाक जो है इंदिरा जी से मिलती हुई देखते हैं, तो नाक मिलने से इंदिरा जी नहीं हो जाएंगी, वो सबसे बड़े किसान की पत्नी ही रहेंगी हिंदुस्तान के, जो रॉबर्ट वाड्रा जी सबसे बड़े किसान है हिंदुस्तान के। अच्छा, उनकी पत्नी ही रहेंगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये आए हैं, इन्होंने घोषणा किया है कि हम पूरे 400 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इनको पूरे 400 सीटों, और सुनिए, सोने में सुहागा, 15,000 रुपया जमा कराया जा रहा है, 11,000 इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, 4,000 और बढ़ा दिया आपने, 11,000 है, 11,000 रुपया मान लीजिए, 11,000 रुपया, वो भी किसके खाते में जमा हो रहा है? अच्छा, आप लोग को ये दूसरे की जो कमियां होती है उसको पकड़ने बहुत मजा आता है। अब नितिन जी, जो हो रहा है उसको देख रहे हैं, नहीं तो 11,000 लगी हुई है, 403 इनके पास नहीं मिलेंगे, 403 इनके कैंडिडेट नहीं मिलेंगे पूरे प्रदेश में, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, चलिए सुभाष जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि अभी अश्विनी जी जो बता रहे थे, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस ने कहा है कि अगर प्रत्याशी बनना है तो 11,000 रुपए उनको जमा कराने पड़ेंगे, इस तरह की ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं और ये बयानबाजियां चल रही हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे होने चाहिए, आखिर हम कब उम्मीद करें कि हमारी जो राजनीतिक दल हैं उस पर भी चर्चा करेंगे? देखिए नितिन जी, आपने अभी जो पूछा कि जो 11,000 का जो चार्जेस ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो मुझे उसके अंदर तो खैर नहीं पड़ना, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी होगी या समाजवादी पार्टी भी। अच्छा, होगी, ये लोग भी लेते हैं? बिल्कुल, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे, प्राथमिक सदस्यता लेना या जो टिकट होता है उसके लिए आवेदन करने का जो शुल्क होता है ये लोग भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि अगर ये लोग पार्टियां बोल रहे हम नहीं लेते हैं, 5 रुपया जो भी है, अब आप 5 रुपया बोले या 50 बोले मुझे नहीं मालूम अमाउंट, लेकिन हर पार्टियां लेती हैं। लेकिन अश्विनी जी, आपने सवाल पूछा था कि शमशान और कब्रिस्तान वाला, तो उस समय मैंने ये बात बोली थी कि वो मुद्दा भी आप ही लोगों ने उठाया था, उस समय आपने मुझे बोला कि सुनिए, तो मैंने सुना। तो 2017 के अंदर जब हम लोग वापस आते हैं ना, तो 2017 के अंदर भी आप ही लोगों ने शमशान और कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया था मीडिया के अंदर पूरी तरीके से, कि कब्रिस्तान के लिए ये लोग आवंटित करते हैं पैसा लेकिन शमशान के लिए नहीं करते, ईद के अंदर बिजली आती है लेकिन दिवाली के अंदर बिजली नहीं आती। ये 2017 के अंदर जो नारा आप ही लोगों ने दिया था,
आप अगर अभी गलत क्या था उसमें? तो गलत है तो उसका मतलब फिर आप मेरी बातों का फिर विरोध क्यों कर रहे थे कि हमने ऐसा नहीं बोला? यानी आपने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को? नहीं, एक्सेप्ट कर लिया आपने चीज को? देखिए अभी आपने डिबेट में एक्सेप्ट किया है, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सुभाष जी, मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर चुनाव के आठ महीने पहले अगर शमशान के लिए पैसा जाता है वो कब्रिस्तान की चारदीवारी के लिए, तो हम शमशान पर क्यों नहीं चारदीवारी बनवाए? तो शमशान के ऊपर क्या पैसा आवंटित नहीं हुआ था? शमशान की दीवारों के लिए भी तो पैसा आवंटित हुआ था ना, ये तो है नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन आपने आपने पर्टिकुलर अश्विनी जी उस चीज को एक धार्मिक नजरिए से देखा, एक धार्मिक चश्मे से देखा, जबकि आप लोग खुद ही बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ आपको चाहिए, सबका विकास आपको करना है, तो किसी एक चीज को धार्मिक चश्मे से देखने की जरूरत क्या है? उसी चीज को आप लोग अभी भी देख रहे हैं। अब्बा जान, अब्बा जान सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, अब्बा जान का शब्द का उच्चारण करके आप एक व्यक्ति विशेष के ऊपर, एक व्यक्ति विशेष पार्टी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं। ये पब्लिक, दुनिया, उत्तर प्रदेश की जनता ये भी समझती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझती। चलिए विनोद, लेकिन आप उसको धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं आप लोग। मैं कांग्रेस के पास चलता हूँ। विनोद जी, ये प्रियंका गांधी जी अभी आई थी कुछ दिनों पहले, आप स्वागत करने गए थे क्या? अश्विनी जी बता रहे कि आप स्वागत करने गए थे, लेकिन दो दिन बाद फिर आपकी मुलाकात नहीं हुई। देखिए, शाही जी और शाही जी की पूरी पार्टी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के सवालों से, जनता से जो सरोकार हैं उससे, सरकार से सवाल पूछ रही, जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम करी। पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री सहित भयभीत है कांग्रेस पार्टी से। मैं इनका डर समझता हूँ, इनकी चिंता समझता हूँ, लेकिन ये डर चिंता करते रहे, लोगों को बांटने की राजनीति करते रहे, अनैतिक कार्य करते रहे, जुल्म सितम की सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इनको बहुत बहुत बधाई। ये भी कह रहे हैं विनोद जी, ये भी कह रहे हैं कि आप लोग कुछ 11,000 रुपया ले रहे हैं कुछ सदस्य बनाने का। नहीं, इनको कुछ नहीं पता। देखिए, ये हमेशा इनकी पार्टी रुपयों में रहती है, गुजरात से हजारों करोड़ रुपयों का भारत के किसानों का साधन संसाधन, बेरोजगारों का, यहाँ की आम जनता का, गरीबों का लगातार लुटाने में व्यस्त है। ये आंकड़े गवाह हैं किस प्रकार से हमारे ऊपर कितना कर्जा बढ़ा है विगत 7 वर्षों में। ये कौन से भारत बनाने की बात कर रहे थे? कर्जदार भारत, मजबूर लाचार भारत इन्होंने बना लिया है। लेकिन अब देश की जनता ने सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है, और इनकी जो सत्ता का दम्भ है, इनको जो अहम है कुर्सी का, ये विरोधी नेताओं को हमेशा बहुत छोटा करके आंकते हैं। और देश की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सकारात्मक रूप से इनका जवाब देगी, और इनको सत्ता से कम 40 साल के लिए। अश्विनी जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए, कुछ बोल रहे हैं 40 साल के लिए सत्ता से, सत्ता के पास। विनोद भाई अश्विनी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, बताएं सर क्या कह रहे थे? अरे नितिन जी, विनोद जी से मैं ये बताना चाहूंगा कि बड़े ही डायनेमिक प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी रहे, उन्होंने चंद्रशेखर जी को अपने समर्थन से सरकार बनाने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने सरकार बनवाया। उसी समय देश के पास इतना पैसा नहीं था, 40 करोड़ रुपए की जरूरत थी, तो हमको 46 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। अरे यहाँ तो वो भी दिन याद है, आप जिम्मेदार हैं, आपकी उसके बाद यहाँ तो कोई मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री, बात उत्तर प्रदेश की हो तो ज्यादा बेहतर होगा जहाँ तक मुझे लगता है। मैं उसी पर कांग्रेस की, यहाँ कांग्रेस और भाजपा की बात हो रही है। नहीं सर, ये कोई राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं करवानी है हमें, हमें खाली उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर लड़ाई नहीं कर रहे हैं हम लोग कुछ जो है सकारात्मक और नकारात्मक तथ्यों की बात कर रहे हैं, बस एक लाइन। विनोद जी कुछ कह रहे हैं, देखिए विनोद जी कुछ कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? नितिन जी, आप खोजी पत्रकार हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को चलने का काम किया गया है, बद से बदतर हालात हैं। प्रधानमंत्री मोदी और योगी की जो वर्चस्व की लड़ाई है सार्वजनिक हो चुकी है, लगातार चिट्ठी पत्री का दौर चला, उसमें कौन जीता कौन हारा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अंततः हार रही है। लगातार 17 से अभी तक उत्तर प्रदेश के मसले नहीं पूरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना के काल में हो, चाहे अभी है, महंगाई का विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई है, झूठ और जुमलों से सरकार चल रही है। केवल आपने अभी देखा कलकत्ता की गगनचुंबी इमारतों का, होटलों का, इन्होंने इस प्रकार से प्रचार की धुन में अंधे हैं। अरे तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है भाई, उसको मान भी तो लिया। नहीं नितिन जी, इस पर स्पष्टीकरण आया है, मैं विनोद जी को बोलना चाहूंगा। मैं सर, मैं आपके सपोर्ट में हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि इस पर स्पष्टीकरण आया है।
केवल स्पष्टीकरण ये है, जिस अखबार ने वो छापा था, जिसको दिया गया था, उस अखबार ने दूसरे दिन खेद प्रकट किया है कि ये गलती से छप गया था, ये भूलवश और सिर्फ एक संस्करण में गया था, उसको बाद में उन्होंने रोक दिया था, उसका एक 6 फ्रेम छपने थे, 1 फ्रेम छपा था। चलिए, उस अखबार ने भूल सुधार का वो भी कर दिया था, लेकिन अब देखिए ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कलकत्ता, और ये हम तो कह रहे हैं कांग्रेस के लिए हमको अपने उत्तर प्रदेश से बाहर निकलना पड़ेगा। साहब की सरकार चल रही है कि नवजोत जी की चल रही है? चलिए चलिए, अच्छा चलिए, अब सर पंजाब नहीं जाना, तो एक मंच पर दिख रहे हैं सर, पंजाब नहीं जाना, मैं उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जुड़े हुए, विवेक जी आपको आवाज मिल रही मेरी? विवेक जी, ये बुलडोजर उल्डोजर लेकर आप लोग कहाँ निकलने की तैयारी में है भाई? आप लोग का कुछ बयान वन का अखिलेश जी ने दिया है कि बुलडोजर इस बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसका स्टेयरिंग अगर घूम गया तो दिक्कतें इनके लिए हो जाएंगी, तो बुलडोजर लेके कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पूरे मंच को सर इधर धन्यवाद देते हुए, बड़ा अच्छा विषय आज आपने उठाया कि बुलडोजर लेके कहाँ जा रहे हैं जी। हम बुलडोजर लेके वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे सामाजिक न्याय की जो उपलब्धि थी उसको इस सरकार ने कर दिया खत्म। एक आम इंसान के जब जमीन पे, भू संपत्ति पे अवैध निर्माण, अवैध कब्जा भाजपा के पदाधिकारी करते हैं, तो उस पर बुलडोजर नहीं चलता। और मैं तो कई बार कह चुका कि मैं तो स्वयं इसका पीड़ित हूँ। बातों से अगर विकास और सुधार हो जाता तो मुझे लगता है छवि सुधार प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उत्तर प्रदेश में तो बातों पर ही विकास हो रहा है ना, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए बंगाल के हार का डर इतना ज्यादा हावी है कि देखिए उत्तर प्रदेश में एक इनको राजमार्ग न मिला जिसको कि ये प्रदर्शित कर सकते। पीली टैक्सी के साथ इनको हरी ऑटो नहीं दिखाई दी हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सड़कों पे चलने वाली, तो उसी को दिखा दिया होता कम से कम। तो कहने का मतलब ये है कि ये छलावा प्रपंच और ये जो मानसिक पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों की ये एक सर्कस चल रही है ना, ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं, क्योंकि प्रदेश की जनता इको गार्डन से लेकर के विधानसभा तक युवाओं पे पड़ने वाली लाठियां देख रही है। इनके प्रवक्ता आवरण युक्त शब्द धारण करके किसान आंदोलन में ग्रेटा थंडरबर्ग और उसको मियां खलीफा को ढूंढते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये केवल बरगलाते आए हैं और विकास के। अच्छा, तो आप लोग की सरकारें भी तो माफिया चलाती थी, आप बीजेपी की कमियां तो बता रहे हैं, आपकी सरकारें माफिया चलाती थी, कहा गया है ये? बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि 114 जो दागी विधायक हैं एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार हमारे सरकार में तो थे नहीं, इनके लेकिन विधानसभा के सदस्य जरूर हैं। 27% जो दागी सांसद हैं मोदी जी ने मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जरूर शामिल कर लिया। तो मैं तो सहमत हूँ आपकी बात से, पूरी तरह से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अपराधी ही जब नेतृत्वकर्ता बन जाएंगे। मेरी बात नहीं अश्विनी जी की, मेरी बात नहीं, बीजेपी कह रही है, अश्विनी जी कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं तो इलेक्शन वॉच और एडीआर की रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। चलिए जवाब ले लें अश्विनी जी से, रिपोर्ट को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते। अश्विनी जी से जवाब ले लेते सर, ये विनोद सिंह, ये विनोद सिंह जी ने पहले कहा, उसके बाद अभी विवेक जी कह रहे हैं, ये सब क्यों इतना बरगला रहे हैं जनता को, और क्यों इस तरह के अनर्गल बयान इस तरह से दिए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए उनसे। जी देखिए, भ्रम फैलाने का काम इस समय सपा बसपा और भाजपा, क्या नाम है, कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, जो भाजपा के खिलाफ ये लोग इतना भ्रम फैलाने की स्थिति में है कि ये अपने क्या बात कह जाते हैं इनको खुद नहीं पता है। ये पीड़ित हैं, इनके इनके जो बुलडोजर कर आपने सवाल पूछा, ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, विवेक जी नहीं जुड़े थे, विवेक जी सुन लीजिए, आपके अतीक अहमद और आपके मुख्तार अंसारी जो आपके कभी एमपी और एमएलए हुआ करते थे आपके दलों के, आप लोग उनको पल्लवित तो पुष्पित कराने का काम करते थे, उनके जो सरकारी जो जमीनें थी जहां पर आप लोगों ने उनके मकान बनवाए, अवैध संपत्तियां उनको अर्जित कराई, उस पर बुलडोजर चला है। अगर वो सामाजिक न्याय आपके लिए है तो आप सामाजिक न्याय उसको मानते रहिए। अश्विनी भाई रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। आपके एक विधायक थे सरोजिनी नगर के, अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं, मेरी अपनी संपत्ति पे, व्यक्तिगत संपत्ति पे सारे प्रमाण होने के बाद भी आप ही के पदाधिकारी जो विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं महेश्वरीकांत पांडे आजमगढ़ मेनगर के, उन्होंने कब्जा कर रखा है, अवैध निर्माण भी करा लिया है, और मैं मुख्यमंत्री विवेक जी, विवेक जी, अगर आप सभा के, अगर आप सभा के कुर्सी से एक दिन उतर कर और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक दिन शिकायत कर दीजिए, तो चाहे जो भी हो वो बचेगा नहीं, और भू माफिया तो नहीं बचेगा जो कब्जा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये सभा की सरकार नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर मैं तो खुद अपना उदाहरण दे रहा हूँ, सबके सामने दे रहा हूँ, मैं प्रमाणित कर दूंगा, और बताइए दूसरे ने कब्जा कर लिया, मेरी अपनी संपत्ति आपके पदाधिकारी ने कब्जा कर रखी है, बताइए चलवाएंगे बुलडोजर, है हिम्मत आपके अंदर?
ये जुमलेबाजी आप ये कह रहे हैं। देखिए आप, मैं कह रहा हूँ मुख्तार अंसारी की बात, आप यहाँ की बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी की संपत्ति सामाजिक न्याय की थी या नहीं है? प्रयास किया है समाजवादी पार्टी ने सभी किसी भी विपक्ष के पदाधिकारी कार्यकर्ता की संपत्तियों पे कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। का जवाब दीजिए, आपका जवाब मैंने दिया। शिष्टाचार, राजनीतिक शिष्टाचार, बोलिए आप लोग भाई, एक एक करके बोलिए। विवेक जी, मुख्तार अंसारी को लेकर सवाल पूछा है अश्विनी जी ने, उसका जवाब दीजिए, क्या कहना चाहिए? बताइए ना सवाल क्या है, पूछिए ना। विवेक जी, विनम्रता से मैं पूछना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी के द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्तियां अगर सरकार गिरा रही है तो क्या वो सामाजिक न्याय है कि नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ मेरी अपनी संपत्ति पे आपके पदाधिकारी ने कब्जा किया? मैं तो मुख्तार आपकी तो जब मैंने जवाब दिया, नितिन जी बताइए, देखिए ये जलेबी बना रहे हो, ये भ्रम कौन फैला रहा है? विवेक भाई, अश्विनी जी कह रहे हैं कि एक दिन आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाकर अपनी समस्या बताइए, कार्रवाई। नहीं नहीं, वो छोड़ दीजिए, वो भी प्रयास करके देख लिया है इनके मुख्यमंत्री, वो छोड़ दीजिए। इन्होंने कब्जा करके कोई रखा होगा, किसी ने कब्जा कर लिया, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन मुख्तार पर नहीं बात करेंगे, अतीक अहमद पर नहीं बात करेंगे। भाजपा पर इन लोगों को आरोप लगाना है, वो आरोप लगाए। अच्छा अश्विनी जी, कल अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अयोध्या से कुछ लोग आए हुए थे और उनका ये कहना है कि अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उनका जो घर है वो गिरा दिया गया है, पूरा पूरा गांव जो है वो तहस नहस कर दिया गया है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए मैं इसमें कुछ, मैं मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर सड़क चौड़ीकरण होती है तो सड़क का एक नियम होता है। विवेक भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास। अश्विनी जी को बोलने दीजिए, जी बताएं। बिल्कुल 220 फीट के तक जो है सेंटर से दोनों तरफ, ये सरकार की संपत्ति होती है। और अगर जिसने भी आगे बढ़कर घर बनाया होगा उसका घर जरूर गिराया गया होगा। अच्छा, हाँ विवेक भाई क्या कह रहे थे आप? मैं तो कह रहा हूँ ये तो काशी में भी हुआ, मंदिर बनाने वाली सरकार, धर्म के नाम पे चलने वाली सरकार ने मंदिरों को गिराया, मस्जिदों को गिराया, आपस में लोगों को लड़ाया, और आज भी इनके पास मुद्दे नहीं है। इको गार्डन पे ये बात नहीं करेंगे, भर्तियों पे बात नहीं करेंगे। मैं अभी इनसे पूछ लूं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उन्हीं मुद्दों पर बात होए लेकिन बात होती नहीं, इनको पता ही नहीं है, इनको मुद्दा ही नहीं पता होगा। पूछ लीजिए बॉर्डर स्कीम क्या होती है, इनको पता ही नहीं। अरे मुख्तार पर बोलिए ना, आपको पता है तो मुख्तार पर बोलिए ना, अतीक पर बोलिए, किस पे बोले बताइए ना। हमने कब विरोध किया कि मुख्तार अंसारी की संपत्ति मत गिराइए? लीजिए नितिन जी, सवाल पूछ रहा हूँ तो ये बोल नहीं रहे और कह रहे हैं कि किस पर बोलूं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि मुझे भी न्याय मिलेगा, ये जुमलेबाजी चलेगी केवल? अरे तो बोल तो दिया उन्होंने कि आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाइए। क्यों जाए मुख्यमंत्री के पास, ये बताइए ना, आपके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? आप करिए, मुख्यमंत्री तो सरकार है ना, आप तो संगठन है, आपका पदाधिकारी है वो, ऐसे अपराधियों को आपने पदाधिकारी बना रखा है? क्यों जाए तो यहाँ देखिए, आप पहले अपने सवाल का जवाब दीजिए। आप शिकायत जब करेंगे नहीं तो किसी को सपना नहीं आ रहा कि आपने कब्जा किया है या किसी और ने किया, हो सकता है आपने कब्जा किया हो, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और बताइए, मैं तो राष्ट्रपति तक भेज चुका हूँ महोदय, मैं आपको सारे प्रपत्र दे दूंगा। अच्छा, कहाँ कहाँ भेज रखा है। अच्छा अश्विनी जी विवेक भाई कह रहे हैं कि शायद ये भी हो सकता है कि आपने कब्जा किया हो और उसके लिए आप इसीलिए जा नहीं रहे शिकायत करने के। बस यही मुझे सुनना था, ये है इनकी सत्य, इनका सत्य यही है। क्योंकि जब मैं इनको प्रमाण देने की बात कर रहा हूँ तो इनको लग रहा है, मैं प्रमाणित करने की बात कर रहा हूँ, मैं लगने की बात। प्रमाण तो पूरे प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार दे रही है। नहीं नहीं, इतना अधिक मुख्यमंत्री तो मुख्तार अंसारी, ये जो तथा कथित जो सरकारी संपत्ति चलाने वाले लोग थे सीए आंदोलन में, इन लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला, जो अपराधी मारे गए उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला, और आप लोग उसके उसको पोषण कर रहे हैं, उस पर जवाब नहीं है आपके पास। क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और आप विवेक जी उसका उसको संरक्षण दे रहे हैं। आपके पुराने नेता ये कह चुके हैं कि ये लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो वो भी अपराध नहीं है उनके लिए और ये भी अपराध उनके लिए नहीं है। आपने रखा है, हमने गोद में नहीं बिठा रखा है, अपराधियों को आपने पार्टी ज्वाइन करवाई है। अच्छा विवेक भाई, ये लोग अब्बा जान क्यों कहते हैं, अब्बा जान से क्या मतलब हुआ? नहीं वो उनकी गलती नहीं है, देखिए वो अब्बा जान इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको मुस्लिम दामाद पसंद है, इनको मुस्लिम कार्यकर्ता नहीं चाहिए, इनको मुस्लिम पदाधिकारी नहीं चाहिए, इनको मुस्लिम दामाद पसंद है भाजपा वालों को केवल। आप भाजपा का इतिहास टटोल लीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये राजनीतिक शिष्टाचार इनके अंदर है ही नहीं। जिसने घर परिवार ना देखा हो, घर परिवार की जिम्मेदारी ना उठाई हो, सामाजिक दायित्व का निर्वहन ना किया हो, उसके आपके संस्कार के बारे में क्या जानेंगे?
संस्कार उनके अंदर कहाँ से आएंगे जब उसने माता पिता की सेवा ही नहीं की हो? हमें क्या पता? टोपी लगा के अब्बा जान जब मुख्यमंत्री हाउस में भगोड़ा किया गया था, हमें आज वालों से जब वो कराते हैं, बताइए ना आप अब्बा जान ईदी ईदी ईद ईद पर जो है उनको दावत देते हैं, उस धर्म के लोगों को संस्कार उनके पास है कि नहीं है? और दूसरी तरह आप इनको अब्बा जान संबोधित करते हैं तो आप स्वयं सोच लीजिए कि इनके अंदर बंगाल का डर और इस समुदाय का खौफ कितना ज्यादा है। अश्विनी जी कह रहे हैं ईदी आप लोग देते हैं, ईद पे आप लोग बुलाते हैं, तो राजनाथ सिंह जी फोटो क्यों खिंचवाते हैं ईद में जाकर के? बताइए ना, मुख्यमंत्री मोदी क्यों जाते हैं बहादुर शाह जफर की मजार पे जाकर के? यहाँ पे भारत में किसी मजार पे नहीं जाते और बर्मा में जाके बहादुर शाह जफर की उस पे मजार पे फूल चढ़ाते हैं? मजार पर जाते हैं, कहा कह रहे थे, लेकिन आपकी तरह थोड़े करते हैं। नहीं देखिए, बताइए ना, मैं तो प्रमाण दूंगा नितिन जी, अगर थोड़ा समय हो तो मैं विवेक जी अश्विनी जी का जवाब ले लीजिए, क्या कह रहे हैं? हाँ जी बताइए सर। 2013 जुलाई में एक शासनादेश होता है, हर थाने पर दो मुस्लिम सिपाही रखे जाएंगे, जरूरी है, गलत क्या है? 2013 जून में बराबर का सबको सहभागिता देने में लखनऊ फैजाबाद बनारस बम ब्लास्ट हुआ था, सिपाही रखने के बाद सारे अपराधियों को छोड़ने के लिए जो आतंकवादी थे उनको छोड़ने के लिए शासनादेश जारी होता है, मुख्य धारा में जोड़ने को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का। विवेक भाई आने दीजिए, जवाब आने दीजिए, फिर जवाब फिर मैं आऊंगा आपके पास। विवेक भाई इनको बोल लेने दीजिए, अश्विनी जी को। जी सर बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, आज इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं वैसे। इन आतंकवादियों के लिए इन लोगों ने शासनादेश जारी कर दिया, वहां पर माननीय हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई तो वापस हुआ। मई 13 की बात मैं बता रहा हूं फिर से, मई 13 में संसद में एक बिल पास करने के लिए अखिलेश जी ने कहा कि बिल पास कीजिए मुस्लिम के आरक्षण के लिए, मैं हम लोग समर्थन करेंगे आपका। उसके बाद सरकार ने एक आता हमारी बेटी हमारा कल एक योजना चलाई इन लोगों ने, उसमें सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए देते थे ये लोग और हिंदू लड़कियों को 10,000 रुपए देते थे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अब्बा जान आपको ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये जितना मैंने गिनाया उतना है। एक शहीद का मैंने पहले भी कहा, हिंदू शहीद हुआ सेना में था उसको 20,00,000 रुपए देती है अखिलेश सरकार, और एक डीएसपी जो मुस्लिम है आपसी रंजिश में मारा जाता है उसको 50,00,000 रुपए देने का काम करते हैं। तो अब्बा जान इनको ना कहा जाए तो किसको कहा जाए? चलिए चलिए सर, आ गया आपका जवाब। मैं विवेक भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुभाष जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अश्विनी जी ने कहा हिंदू मुस्लिम को लेकर, और कई सारे एग्जाम्पल भी उन्होंने दे दिए, इस पर क्या कहेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सारे मुद्दे पीछे छूट जाएंगे जी। इतनी सी डिबेट के अंदर ना आपने ये देख ही लिया कि सारी चीजें पीछे छूट गई, हिंदू मुस्लिम पे वापस हम चले आखिर में, रिलीजन के ऊपर वापस चले हम। मैं इन सब चीजों के ऊपर कुछ कमेंट न करके अगर आपकी इजाजत हो एक चार लाइन बोलना चाहता हूं मैं। जी जरूर। झूठ की नाव सच के समंदर पर कब तक टिकेगी? सच बोलने के लिए झूठे लोगों की जबान कब तक बिकेगी? एक ना एक दिन तो सारी हकीकत बाहर आएगी, कब तक इन झूठे नेताओं की झूठी ईमानदारी दिखेगी? अब तो आप लोग सच बोलना शुरू कर दीजिए, कब तक आप हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते रहेंगे? आपको अब्बा जान अच्छे नहीं लगते, आपको अब्बा जान अच्छे लगते हैं, अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो उनको हटा दीजिए, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उसको फिर आप एक्सेप्ट करिए। दोनों ही नेता कहीं ना कहीं, चाहे वो पांडे जी हो चाहे अश्विनी शाही जी हो, चाहिए इनको सारे के सारे लोगों के वोट, लेकिन जब चुनाव की बारी आएगी तो ये कहीं ना कहीं उसी को वापस लाके पोलराइजेशन कर देंगे, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लाके खड़ा कर देंगे। सारे मुद्दे कहां चले गए? मुद्दों से आप पीछे छूटते हुए चले जा रहे हैं। 2022 का चुनाव भी आप लोग इसी पे लड़ेंगे, 110% कंफर्म है। पांडे जी आप भी बोलते हैं कि विकास की बात करें, अगर विकास की बात होती तो 2017 के अंदर आप लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े थे, क्यों हार गए आप लोग? जरा पीछे चले जाइए, इसी वजह से आप लोग हारे थे। अरे कम से कम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता उसके वास्तविक मुद्दों के ऊपर चर्चा करिए, इन सब नारों को साइड कर दीजिए। जनता आप लोगों की तरफ विश्वास भरी नजर से देख रही है। लेकिन ये राजनीतिक शिष्टाचार इनको सीखना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता के ऊपर किस तरह की बयानबाजी और अनर्गल टिप्पणी ये लोग करते हैं, ये राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा पहले इनको सीखने की जरूरत है। देखिए प्रधानमंत्री जी को क्या क्या कहा गया इस देश में, किसी ने कोई उसका किसी ने विरोध किया? उठाया, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा मुद्दों की बात, मैंने आपसे पूछा 2800 ग्रेड पे उत्तर प्रदेश पुलिस का क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा बॉर्डर स्कीम कब हटाएंगे कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, कोई जवाब नहीं मिला। 2486 बच्चे दरोगा भर्ती के ट्रेनिंग कर करके वहां पे इको गार्डन में झाड़ू लगा रहे हैं, दिन रात अनशन करके बैठे हैं, कोई जवाब नहीं मिला। उनको ज्वाइनिंग कब देंगे, कोई जवाब नहीं। 12,464 सुन लीजिए, 12,464 शिक्षकों की भर्ती, बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिली। अखिलेश जी कितने दिन गए वहां? 22 बच्चों की विज्ञान गणित शिक्षकों की भर्ती नहीं की आपने।
कृषि प्रावधिक बच्चों की भर्ती आपने नहीं की, आप मुद्दों पे आइए ना, ये क्यों नहीं जवाब देते मुद्दों पे? आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश की, आपको तो सड़क पर आना चाहिए अगर सरकार नहीं सुन रही है तो उन बच्चों के साथ। हम सड़क पे भी हैं, हम मुद्दों पे भी हैं, जन आक्रोश रैली भी चल रही है, हमारी व्यापारी रैली भी, रैलियां भी चल रही है, व्यापार संस्था व्यापार मंडलों की, हम हर तरीके से सड़क पे हैं। अगर हम नहीं दिखाई दे रहे तो हम मुख्य विपक्ष कैसे हो गए बताइए ना आप? क्या चीज में सुना नहीं, क्या कह रहे हैं आप? अगर हम दिखाई सुनाई नहीं दे रहे तो हम मुख्य विपक्ष की धारा में कैसे आ गए? अरे आप सर तो कहते हैं कि आप मुख्य विपक्ष हैं। ये ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बनाया है पहली बार। तो जनता ने बनाया, तो जनता को हम दिख रहे हैं तभी तो बनाया है ना। दूसरी जनता को हम दिख रहे हैं तभी तो हम मुख्य विपक्ष की धारा में है ना भाई। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जनता ने आपको मुख्य विपक्ष की धारा में रखा है, बनाया है, तो कम से कम आप उनकी 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 जबान बनकर सड़क पर तो आइए। अगर सरकार नहीं सुन रही है, सरकार नहीं मान रही है, हर डिबेट सुन लीजिए, हर जगह अखिलेश जी नहीं खड़े हो सकते। अरे सर, तो आपके बाकी नेता भी तो नहीं खड़े हो रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, आने दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैंने इनके सामने, आपके सामने, पूरे मंच के सामने 5 सवाल उठाए। केवल 5 सवाल में मुझे आप आज 1 सवाल का जवाब केवल दिलवा दीजिए। हमने तो एक ही उठाया था, उसका जवाब ही नहीं मिला मुझे। मैंने तो एक ही उठाया था, इनको अपने कब्जे की वो हो गई, उसका जवाब दे दिया इन्होंने। मैंने तो उसपे सवाल, मैंने तो उसपे जवाब दे दिया कि मुझे आप जो बुलडोजर कहां जवाब दिया आपने, लेकिन मेरी मेरी जो कार अंसारी अजी का अमर पर कहां जवाब दिया आपने, घुमाते रहे कि हमारा कब्जा हो गया। प्रयास मत करिए, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, ये मानता हूं। अरे सुन रहा भाई साहब, ये भ्रम थोड़े फैला दूंगा, भ्रम नहीं फैलाने दूंगा, सुन रहा हूं और सुनता रहूंगा। एक अच्छा श्रोता जो है अच्छा वक्ता भी होता, मैं सुन रहा हूं, लेकिन भ्रम नहीं फैलाने दूंगा। यहाँ टीवी पर बैठकर आपको भ्रम फैलाते हैं, वो भ्रम नहीं फैलाने दूंगा आपको। मैं वही कर रहा हूँ कि अगर न्याय करने की क्षमता ना हो तो सवाल उठाने का भी अधिकार नहीं है आपको। आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया कि क्या पता मैंने कर रखा है, चलिए इसी पे एक डिबेट रखते हैं। मैं सारे कागज, अरे भाई आपने जब जवाब ही नहीं दिया, मैंने सवाल पूछा, आप जवाब भाग रहे हैं डिबेट में, और उसके बाद कह रहे हैं मुख्यमंत्री के पास मैं क्यों जाऊँ, शिकायत करेंगे नहीं, लाइव बैठूंगा कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं उसके बाद कह रहे हैं मैं राष्ट्रपति के पास गया। मैं लाइव बैठूंगा क्या मुख्यमंत्री के पास, हर वो व्यक्ति जाए जिसके पास जिसकी संपत्तियों पे अवैध। अरे भाई मुख्तार अंसारी और अधिक अहमद पर एक शब्द बोल दीजिए भाई विवेक जी, एक शब्द बोलने में क्या जाता है? नहीं आप बताइए, वो आपके द्वारा पल्लवित और पुष्पित किए गए, अगर मैं चुनौती देता हूँ आपके अंदर, आपने उनको भूमि उपलब्ध कराई कि यहाँ पर घर बनाओ, रख दूंगा सामने, आइए कहिए, चुनौती देता हूँ मैं आपको। नहीं मैं सर, चुनौती देता हूँ आपको, ना ना हम उस पर किसी दिन चर्चा कर लेंगे विवेक जी आपके मुद्दे पर भी, लेकिन तो ना, मैं अभी प्रमाण के साथ बैठूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको पूरा मौका देंगे, लेकिन अभी जो आप बातें कह रहे थे कि कई सारी समस्याएं हैं भर्तियों को लेकर, अभ्यास 5 जनसरकार हाँ, के मुद्दे उठाए बिल्कुल, मैं चाहता हूँ की बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बॉर्डर स्कीम इसका मुख्य कारण है, चलिए बताइए इसको क्यों नहीं हटा रहे, और पहले इनसे पूछिए बॉर्डर स्कीम होती क्या है, पहले यही पूछ के बता दीजिए मुझे आप। चलिए चलिए मैंने उठा दिया मुद्दा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है, उत्तर प्रदेश को पहला नहीं देश को पहला मुख्यमंत्री मिला है जो अपराधियों के सामने कहने की हिम्मत रखता है कि प्रदेश में अपराध करना है तो प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो अपराध नहीं कर पाओगे, मार दिए जाओगे, पहला मुख्यमंत्री है ये, वो मुख्यमंत्री नहीं है, याद कीजिए। मथुरा में नितिन जी डिप्टी एसपी मार दिया जाता है, किसकी सरकार थी, वो हैसियत है इन लोगों की, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है अपराधियों को बढ़ाने का काम करते हैं और पूछ रहे हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया भाई, चिल्लाने से सत्य नहीं छुपता है। फर्जी आपके कहने से मान लगी थी, उसमें अपराधी ही माना जाता है व्यक्ति को, और उसी या तो उसी गंभीर धाराओं में अन्य जितने भी कन्विक्टेड लोग हैं सबको छोड़ दीजिए, जिन धाराओं में आदित्यनाथ जी के ऊपर अपराध दर्ज थे उस धाराओं में जितने अपराधी हैं सबको छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश के, ना वो अकेले अपवाद क्यों है भाई। अरे भाई मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर भी कुछ बोल लीजिए जिनको आप लोगों ने बढ़ाया है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ दीजिए, कार्रवाई करिए ना, आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर जो गंभीर कर रहे हैं ना, आप लोगों ने जमीन दिया था उनको मकान बनाने के लिए जहाँ बुलडोजर चले, जो आज का मुख्य मुद्दा है, दिया था आपने जमीन ना, सरकारी जमीन बनाओ, मुख्यमंत्री के ऊपर दर्ज अपराधों में जो कन्विक्टेड लोग हैं। अरे जमीन आपने दिया था कि नहीं दिया था, ये तो जवाब दे दीजिए भाई। चलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, दीजिए जवाब, पूरे पैनल से पूछ रहा हूँ। अरे मैं भी पूछ रहा हूँ, तो आप सिर्फ सवाल पूछेंगे, अपवाद है क्या, जवाब नहीं देंगे, कुछ जवाब तो दीजिए भाई, सारा सब सरकार थोड़ी जवाब देगी, सरकार ने बहुत जवाब दे दिया, तो विपक्ष पूछेगा ना। एक अपराधी जो किसी भी धाराओं में आईपीसी की गंभीर धाराओं में अपराधी माना जाता है, तो अगर उसको एक को छोड़ा जा रहा है तो सबको छोड़िए, मैं तो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं छोड़ते आप, मैं तो ये समीकरण सेट कर रहे हैं। मैं तो अश्विनी जी भी पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्तार और अतीक के मुद्दे पर आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। मुख्तार अतीक के मुद्दे पे हमने विरोध ही कब किया है, हमने विरोध किया है क्या, इतनी देर से पूछ तो रहे, मैं तो जवाब दे रहा हूँ कि मैंने कब विरोध किया, करिए ना कार्रवाई,
क्या वो कह रहे हैं कि जो जमीनें आप लोगों ने उनको नहीं तो बुलडोजर फिर क्यों अखिलेश जी कह रहे हैं कि बुलडोजर पर उनको दिक्कत क्यों हो रही है? किसको दिक्कत हो रही है? हमने तो ये बताया कि बुलडोजर विवेक जी आप क्या चला या नितिन जी क्या चला या सुनील शाही क्या चला या सुभाष जी क्या चला? मिलेगा ना बुलडोजर अपराधियों के घर पे चला, अखिलेश जी को दिक्कत क्यों? सुन लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। आप अगर न्याय नहीं करेंगे हम जैसे पीड़ित लोगों के साथ, तो भाई हम अगर समाजवादी पार्टी के हैं तो हमारी पत्रकार है तो हमको तो न्याय मिलेगा ही। अपनी सरकार से आप अपराधी हैं अपेक्षा रखता है। मैंने अपराधियों की बात की भाई साहब, आप अपराधी नहीं है। अपराधी आप होंगे तो एक सेकंड नहीं बचेंगे मंत्रिमंडली अपराधी, लेकिन जिनके यहाँ बुलडोजर चला है अखिलेश जी ने क्यों किया? उत्तर प्रदेश में संचालन कर रहा है, बात करेंगे अपराधियों का नेतृत्व उत्तर प्रदेश को संचालित कर एडीआर इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट को मानते हैं कि वो भी फर्जी है, यही बता दीजिए। सुभाष जी के पास चलेंगे, सुभाष जी को जोड़ते हैं। सुभाष जी, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब हमने मुद्दों पर बात की तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी आपने देखा कि डिबेट किस तरफ घूम गई है, क्या कहेंगे इस पर आप और कब तक इस तरह का माहौल और आने वाले दिनों में हमें देखना है? क्या चुनाव के बाद ये सारी चीजें सुधरेंगी या चुनाव के पहले ही सुधर जानी चाहिए? नितिन जी, सिर्फ डिबेट ही घूमी है, अभी तो पूरा चुनाव बाकी है। हाँ, मैं उसी चुनाव भी पूरा घूमेगा, मैं वही कह रहा था आपसे, चुनाव भी घूमेगा, चुनाव भी इसी तरह घूमेगा जिस तरीके से डिबेट के अंदर घुमाया जा रहा है। कुछ नया नहीं होने वाला है, मैंने पहले भी बात बोली थी, फिर वही बात बोल रहा हूँ मैं। 2022 का चुनाव भी कुछ नया नहीं होने वाला है। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां, ये लोग उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करेंगी। यहाँ पे प्रवक्ता जो बैठे हैं सपा के, मैं मानता हूँ कि वो पीड़ित है, लेकिन अपनी पीड़ा के साथ साथ आप जिस पार्टी के लिए यहाँ पे बैठे हुए उसकी चीज को भी आप रखिए। आप ले दे कि आप बार बार अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं, अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं। मैं अगर ऐसी बोलूं, नहीं नहीं, अगर मैं बोलूं कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी चापलूसों की भरमार है तो कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास भी प्रमाण है। ऐसी बात नहीं, प्रमाण मेरे पास भी है, तो उस चीज को रखने से कोई मतलब नहीं। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में आपको बात करनी है। सुन लीजिए, आप राजनीतिक विश्लेषक आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात को काट भी नहीं रहा, लेकिन अगर वो सवाल पूछेंगे तो मैं भी तो जवाब मालूंगा ना। और आप भी तो उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे ना? नहीं नहीं, मैंने उनके क्यों, मैंने जवाब दिया, उन्होंने मुख्तार अंसारी पे अतीक वाले मुख्तार वाले बैठ गए साइड में। नहीं, मैंने तो कहा कार्रवाई करिए ना, आप चाहे तो रिपीट करिए ना डिबेट को दोबारा। जब कार्रवाई होने वाली है तो 2017 के अंदर चुनाव से पहले सिपुतल अंसारी की जो पार्टी थी कौमी एकता दल, उसका शिवपाल जी ने विलय करा दिया, अगले दिन अखिलेश जी ने उसको मना कर दिया, बाद में उसी को वापस क्यों लाके आप लोगों ने शामिल कराया? एक मिनट, हम अखिलेश यादव के साथ पहले भी खड़े थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अपराधीकरण को दूर रखने के लिए पहले भी प्रयास, आज भी प्रयासरत है, और मैं इस चीज की का हमेशा समर्थन करता हूँ। और ये आपने स्वयं कहा कि अखिलेश जी ने उसे मना किया, तो हम अखिलेश यादव जी के साथ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि वो आपराधिक राजनीतिकरण को दूर रखने का प्रयास। 2017 के अंदर मना किया था पांडे जी, अभी ज्वाइनिंग करा दी उनको, अभी की बात करिए। एक मिनट, अगर आपने अपराध किया है तो अपराधी आप होंगे, आपका परिवार नहीं होगा। मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, अपराधी आप हैं तो आपका परिवार अपराधी नहीं माना जाएगा। तो 2017 के अंदर भी, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, 2017 के अंदर भी कौमी एकता दल का जब विलय हुआ था तब सिकुतुल अंसारी अपराधी नहीं थे, तब क्यों अखिलेश जी ने बोला कि मैं अपराधी किस्म के लोगों को नहीं रखूंगा? आप बताइए ना उनके ऊपर कौन से अपराध दर्ज है? मैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात पे आ रहा हूँ, आप थोड़ा पीछे चले जाइए। अभी आपने बोला कि हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बातों का सम्मान करते हैं। सुन तो लीजिए। विवेक भाई सुन लीजिए, बहुत अहम बात है ये। आप ही बोल रहे हैं कि हम अखिलेश यादव जी की हर बातों का, हर फैसले का सम्मान करते हैं। आपने ये बोला कि सिकुतुल अंसारी अपराधी नहीं है, अपराधी उनके भाई है। 2017 के अंदर उस समय प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी थे, उन्होंने लोहिया सभागार यानी कि आपकी समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर बैठकर कौमी एकता दल का विलय कराया था, और उसके अगले दिन आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में जो अखिलेश जी ने उस विलय को नामंजूर कर दिया और बोला कि हम अपराधी किस्म के लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। उस समय तो ये भी अपराधी नहीं थे, तो वो तब उसको क्यों आपने मना किया? वो परिवार की लड़ाई की वजह से हुआ होगा, जहां तक तब उन्हें मना कर दिया, अगर अब शामिल किया गया क्यों? हम उत्तर प्रदेश की जनता भी तो ये जानना चाह रही है ना, हम भी तो वही बता रहे हैं ना, हम आज भी उस स्टैंड के साथ खड़े हैं। जब किसी व्यक्ति विशेष की जब तक परिपाटी हमारे सामने नहीं आएगी, हम उसको नहीं विलय लेंगे, अपने साथ नहीं कर लेके आएंगे, और जिसको हमने शामिल किया है उसके ऊपर कोई अपराध नहीं है। यानी आप ये मानते हैं कि पहले वाला फैसला गलत था? मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं तो हमेशा कह रहा हूँ अपराधीकरण को दूर रखना चाहिए। अगर आप इसको गलत नहीं मानते तो पहले वाले फैसले को गलत मान रहे हैं क्या? मैंने कब कहा कि पहले वाला फैसला गलत है? तो वही आप दोनों बातें, वही एक बात तो बोली आप, अभी आप बोल रहे हो दोनों सही, अरे दोनों कैसे सही हो गए? विवेक भाई आपकी बात पे अश्विनी जी हंस रहे हैं बहुत तेज, दोनों बात पे आइए ना। अरे हंसने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है पांडे जी, या तो आपके सुप्रीमो अखिलेश जी का अभी का फैसला गलत है, या तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, या 2017 के अंदर जो उन्होंने फैसला किया था वो गलत है। दोनों में से एक तो निर्णय लेना पड़ेगा ना आपको। देखिए, पार्टी में तो आप भी रहे हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि कौन गलत था कौन सही था। ऐसा तो है नहीं, पार्टी की नीतियों से आप वाकिफ नहीं है,
और पार्टी के अंदर क्या चीजें थी क्या नहीं वो जग जा ही रहे, कोई बात छुपी तो है। देखिए मैं रहा हूँ, मेरा गुजरा हुआ कल था, मैं यहाँ किसी पार्टी का प्रवक्ता बन के नहीं बैठा हूँ। मैंने सिर्फ आपके सवालों का काउंटर किया, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हो। आप तो सवाल काउंटर की, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का समर्थन अगर कर रहे हो, भाजपा को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा को डिफेंड करने की कोशिश कहाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल कर। उन्होंने भाजपा पे सवाल, मैंने भाजपा पे सवाल खड़ा किया, आप सवालों से भाग रहे हैं पांडे जी, बिल्कुल भाग रहे हैं। आप अपने अखिलेश जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ना बिल्कुल नहीं, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता से देख रही है। आप मेरे सवालों से भाग रहे हैं, आप बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल सवाल से नहीं। तो फिर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि 2017 का जो फैसला रख लीजिए गलत था, या अभी का फैसला गलत है? या बोल लीजिए, आप पहले सुन लीजिए या बोल लीजिए। हाँ सुनाए सुनाए। मैंने पहले भी कहा कि पहले भी हमारी पार्टी में जो फाड़ हुई थी वो राजनीतिक अपराधीकरण को दूर रखने की वजह से हुई थी, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जब तक किसी का व्यक्तिगत चरित्र या आचरण नहीं पता होता है, एक मानसिकता सीमित होती है। जब पूरी तरह से इनके बारे में जांच पड़ताल की गई, इनके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं पाया गया, तो इनको हमने अपने दल में शामिल किया, ठीक ठीक। और मैं पहले भी कायम था, मैं आज भी कायम हूँ, जिसको हमने शामिल किया है वो उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, इसीलिए वो आज हमारी पार्टी में है। मैं बोलूँ, अब सुनेंगे आप, सुनेंगे आप अभी? आप, मैं तो खामोशी बैठा हूँ। पांडे जी 2017 से पहले सिफतुल अंसारी जी उसके पहले विधायक रह चुके हैं, तब भी उन्होंने निर्वाचन आयोग के अंदर हलफनामा दायर किया था, तब भी उनके ऊपर भी कोई केस नहीं था, तब भी अपराधी किस्म के व्यक्ति नहीं थे। तो आप लोगों ने 5 साल लगा दिए उनको जानने के अंदर, बैकग्राउंड चेक करने के अंदर। ये कौन सी प्रक्रिया भाई आपकी कि 5 साल 7 साल आपने लगा दिए जानने के लिए अपराधी है या नहीं है? अरे इलेक्शन कमीशन हलफनामा चेक कर लीजिए, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो आपका जवाब दे दूं, सुन लीजिए, आप जवाब भी ले लीजिए। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के विकास को नहीं जान पाया, बंगाल के पुल को लाकर के हमारे प्रदेश का यूपी का विकास बताया। ये देखिए आप मेरे सवाल को भाग रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है, आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। मैं तो सवाल उठा रहा हूँ सर, मैंने तो कोई अलग से सवाल उठाया नहीं, मैंने सिर्फ आपके सवाल को काउंटर किया है और आप मेरे सवालों से भाग रहे हैं। मैं भी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं दे रहे हैं आप, नहीं दे रहे हैं आप, तो बंगाल चले गए। सवाल का जवाब है? नहीं नहीं, बंगाल नहीं गया मैं, तो यूपी ही आया, मैं तो यूपी आया, बंगाल। तो सीधे सीधे शब्दों में बताइए ना कि अखिलेश जी का सवाल तो यहाँ अखिलेश जी पर और समाजवादी पार्टी पर हो रहा था ना। आप तो मैं तो उसी पे आ रहा हूँ। जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतनी संस्थाएं, इतने अधिकारी, इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद नहीं पता कि उसके उत्तर प्रदेश में कौन सा ब्रिज है, उत्तर प्रदेश में कौन सा पुल है, तो इसीलिए आप लोगों को भी समझ नहीं आया कि उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा है कि नहीं। एडवोकेट पांडे जी, एडवोकेट पांडे जी, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे शायद और आपको ज्यादा नॉलेज है, लेकिन आप खुद देखिए, देखिए आप खुद अपनी ही बातों के अंदर उलझ चुके हैं। नहीं नहीं, मैं आप खुद ही उलझ गए, आप खुद ही अभी आप इस डिबेट को देखिएगा, मिलेगी यूट्यूब पे, आप इसको एनालिसिस करिएगा। आप अपने ही बातों में उलझ चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही। आपके कहने से तो मैं उलझ नहीं जाऊंगा। आप उलझ चुके हैं, मेरे कहने से नहीं, ये तो पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है, आप उलझ गए। लेकिन आप मेरे सवालों को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं, आप नेता को बचा रहे हैं बस। लेकिन आप दोनों की लड़ाई में अश्विनी जी को बहुत मजा आ रहा है। नहीं बिल्कुल मजा आएगा, अश्विनी भाई को क्यों नहीं मजा आएगा। नहीं मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यही की बस मैं पांडे जी से यही पूछना चाह रहा हूँ कि अखिलेश जी का या तो 2017 का फैसला गलत था या 2021 का फैसला गलत था। अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं, बात बताऊं, इनका इनका जो विवेक भाई कहां तक जवाब दे पाएंगे? सुन लीजिए अश्विनी जी को, मैं ये कहता हूं नितिन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पहले जो सरकारें थी, जो पहली सरकार हमारी समाजवादी पार्टी की थी, कि जो गई अपने गलत कामों के वजह से, अपने अपराध के चरित्र के वजह से यहाँ के प्रदेश के लोगों ने हटाया। सुभाष जी ने बार बार कहा कि अभी जो है इसको कम्युनल और इसे किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा कम्युनल होने का लोग लगाते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन हमने ही नारा दिया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और हमने जब मकान बांटा सुभाष जी, तो हमने किसी जात पूछ के नहीं दिया है। हमने जब पैसा बांटा है, आयुष्मान योजना हमने दिया है, जात पूछ के नहीं दिया है। उज्ज्वला योजना हमने जात पूछ के नहीं दिया है। हमने जो कार्यक्रम किए वो जात पूछ कर नहीं किए। लेकिन अभी मैंने गिनाया, उसमें दो जगह गिनाया, एक तो लड़की की शादी पर और एक डिप्टी एसपी के मरने की। ये दो चीजें जाति देखकर समाजवादी पार्टी ने किया, बाकी और भी जो है गिनाया उसको मैं नहीं गिनाना चाहता हूं। तो मेरा ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है, तो इसको ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये कम्युनलिज्म पर आएंगे।
अब्बा जान वाली बात रही, अगर आप उसी में संलिप्त हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों कहा था कैंट विधानसभा में कि हमने 16 हिंदुओं को मरवा दिया और क्या कर सकता हूं मुसलमानों के लिए, और उनको कोई अब्बा जान कह दे तो पूरे समाजवादी पार्टी समेत लोगों को दर्द हो जाता है। चलिए चलिए समय इसको थोड़ा सा आत्मसात करने के लिए, हम फिर आगे इसी तरह के इसी मुद्दे पर फिर किसी दिन डिबेट करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस बार जन सरकार के मुद्दे पर ही चुनाव हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हाँ, तो साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश में हालात इस तरह से हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियां चले, और अगर आप बयानबाजियों पर सवाल खड़े करते हैं तो मुद्दा भटक जाता है। मुद्दा कभी बंगाल चला जाता है, तो कभी सीमा की सुरक्षा पर चला जाता है, कभी तालिबान पर चला जाता है, कभी मुसलमान पर चला जाता है। ये तक कहा जाता है कि किसी सरकार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, हमने सबको देखकर सबके लिए काम किया, लेकिन कोई ये कह रहा है कि आपने जानबूझकर एक विशेष वर्ग के ऊपर कार्रवाइयां करवाई हैं ताकि उसका नुकसान हो। तो इस तरह के जो बयान है, इन बयानों को लेकर हम और कितने दिनों तक चर्चा करेंगे, ये तो अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता को वोट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बार भी हिंदू मुसलमान तालिबान कब्रिस्तान इस पर वोट देंगे तो फिर सवाल करने के लिए आपके सामने कुछ नहीं बचेगा। आज की डिबेट में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।